हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमने पिछली वीडियो में एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन अ एलसीआर सर्किट, और पार्ट वन ऑफ दिस वीडियो को हमने यहां तक ड्राइव कर लिया था। इक्वेशन नंबर 12 तक हम पहुंच चुके थे। ये था हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन एलसीआर सर्किट। अब आप देख सकते हैं कि इस जनरल एक्सप्रेशन में बी स्क्वायर और के स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही हैं, तो बी और के की वैल्यूज पर डिपेंड करते हुए हमें यहाँ पर तीन स्पेशल केसेस जो हैं वो कंसिडर करने होंगे। तो पहला स्पेशल केस होगा हमारे पास जब बी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन के स्क्वायर होगा। दूसरा स्पेशल केस होगा हमारे पास जब बी स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू के स्क्वायर होगा। और तीसरा स्पेशल केस होगा जब हमारे पास बी स्क्वायर लेस देन के स्क्वायर होगा। तो तीनों केसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि तीनों केसेस में हमारे पास नेचर ऑफ चार्ज कैसा रहने वाला है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन एलसीआर सर्किट। और तीनों केसेस के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन चार्ज एंड टाइम टी। तो आप हेडिंग बनाएंगे स्पेशल केसेस नंबर वन, व्हेन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर के स्क्वायर से बड़ा हुआ तो उस केस में ये जो स्क्वायर रूट होगा ये कैसा होगा। अगर बी स्क्वायर के स्क्वायर से बड़ा हुआ तो बी स्क्वायर और के स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो रियल होता है और पॉजिटिव होता है। तो आप लिखेंगे इन दिस केस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज रियल एंड पॉजिटिव। तो जो एक्सपोनेंशियल की पावर होगी ये वाली, अगर ये टर्म रियल एंड पॉजिटिव हुई, ये टर्म रियल एंड पॉजिटिव हुई, तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्चार्जिंग होगी कैपेसिटर की वो एक्सपोनेंशियली होगी। मींस कैपेसिटर पर चार्ज जो है वो एक्सपोनेंशियली डिके करेगा और अल्टीमेटली अपनी मिनिमम वैल्यू जीरो पर पहुंच जाएगा। तो यही लाइन आप यहां पर लिखेंगे, हेयर चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिके एक्सपोनेंशियली एंड अल्टीमेटली रीचेस टू जीरो एज शोन बाय कर्व वन। कर्व वन भी हम प्लॉट करेंगे बिटवीन चार्ज एंड टाइम टी। सच अ चार्ज इज नोन एज ओवरडैम्प्ड और डेडबिट। इस प्रकार के चार्ज को जो कि एक्सपोनेंशियली डिके करे और फाइनली अपनी मिनिमम वैल्यू जीरो तक पहुंच जाए, ऐसे चार्ज को हम बोलते हैं ओवरडैम्प्ड और डेडबिट। जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था, जब हमने की को रिलीज नहीं किया था, तो उस केस में कैपेसिटर जो है वो पूरी तरह से चार्ज था, उस पर मैक्सिमम चार्ज स्टोर था और कैपेसिटर पर चार्ज की जो वैल्यू थी वो थी क्यू जीरो। तो हम देखेंगे कि क्या इस केस के लिए टाइम टी इक्वल टू जीरो पर इस एक्सप्रेशन से क्या चार्ज जो है वो क्यू जीरो के बराबर निकल के आता है कि नहीं आता। तो पहले आप लिखेंगे एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो आप इस एक्सप्रेशन में टी की जगह जीरो पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू जीरो बाय टू ब्रैकेट में वन प्लस बी बाय स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई की पावर। अगर टी को जीरो पुट करेंगे तो ये पूरी पावर जो है वो जीरो हो जाएगी, ई की पावर जीरो प्लस क्यू जीरो बाय टू वन माइनस बी बाय स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अगर ई की पावर में यहाँ पर टी की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये पूरी पावर जीरो हो जाएगी, ई की पावर जीरो। ई की पावर जीरो जो है वो वन होता है, तो मैं ई की पावर जीरो को यहाँ से हटा देता हूँ। ये टर्म प्लस की है, ये टर्म माइनस की है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा सिर्फ क्यू जीरो बाय टू इंटू वन, दैट इज क्यू जीरो बाय टू। क्यू जीरो बाय टू इंटू वन दैट इज प्लस क्यू जीरो बाय टू, इन दोनों को ऐड करके आपके पास आ जाएगा क्यू जीरो। तो मीन्स जब टाइम टी इक्वल टू जीरो होगा तो चार्ज जो है कैपेसिटर पर वो मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू होगी क्यू जीरो। तो हम देखेंगे कि टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर चार्ज कितना रहने वाला है कैपेसिटर पर, फिर हम कर्व प्लॉट करेंगे फॉर केस नंबर वन नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमने पिछले सेक्शन में देखा कि स्पेशल केस वन में जब टाइम टी इक्वल टू जीरो होगा तो इनिशियल चार्ज जो है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्यू जीरो निकल के आ रहा था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम देखेंगे जब टाइम टी इक्वल टू इन्फिनाइट होगा तो कैपेसिटर पर कितना चार्ज बचेगा। तो उसके लिए आप पहले क्या करेंगे, इससे पहले कि आप टी की जगह इन्फिनिटी पुट करें, आप एक काम करेंगे, ट्वेल्थ इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल की पावर में से माइनस साइन कॉमन लेंगे, जिसकी वजह से बी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे बी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। अब आप टी की जगह इन्फिनिटी पुट कर दीजिए, तो टी की जगह जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो दिस टर्म इनटू इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ पर है तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा।
टी की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पर, तो दिस मल्टीप्लाई इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो माइनस साइन है तो यहाँ पर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्यू इज इक्वल टू क्यू जीरो बाय टू, ये वाली ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस क्यू जीरो बाय टू, ये वाली ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। बट आप जानते हैं ई की पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो है उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी और ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो क्यू आ जाएगा जीरो प्लस जीरो दैट इज जीरो। तो मीन्स जो कब जब टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिट होगा तो उस केस में कैपेसिटर पर चार्ज जो है वो जीरो होगा, मीन्स कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका होगा। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें स्पेशल केस वन के लिए, तो हमने देखा कि जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था तो चार्ज जो था वो क्यू जीरो था, जैसे जैसे टाइम पैसेज होगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे चार्ज जो है कैपेसिटर पर वो एक्सपोनेंशियली डिके करेगा। तो आपको कर्व जो है वो एक्सपोनेंशियल कर्व बनाना है और टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर कैपेसिटर पर चार्ज जो है वो जीरो हो जाएगा। दिस इज फॉर केस नंबर वन, केस वन के लिए ये आपने कर्व जो है वो प्लॉट कर दी है। तो बाकी दो केसेस हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं केस नंबर टू जो कि है बी स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू के स्क्वायर। इस केस को डिस्कस करने के लिए हम पार्ट वन में डिराइव की गई सेवंथ इक्वेशन का यूज करेंगे। सेवंथ इक्वेशन थी क्यू इज इक्वल टू ए की पावर माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी प्लस बी ई की पावर माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी, ये हमारी सेवंथ इक्वेशन थी। अगर बी स्क्वायर के स्क्वायर का अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है बट एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं है, अगर बी स्क्वायर के स्क्वायर का एग्जैक्टली इक्वल टू होता तो बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जो है वो जीरो हो जाता और इसका स्क्वायर रूट भी जीरो हो जाता। बट यहाँ पर हम मान रहे हैं कि बी स्क्वायर जो है वो के स्क्वायर के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है, मीन्स इन दोनों का कुछ ना कुछ डिफरेंस निकल के आएगा और वो डिफरेंस जो है वो बहुत ही छोटा होगा, एक स्मॉल क्वांटिटी के बराबर होगा और उस स्मॉल क्वांटिटी को हम मान लेंगे एच। तो आप लिखेंगे लेट स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी एच। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू निकल के आएगा, वो फाइनाइट वैल्यू बहुत कम होगी और उसका स्क्वायर रूट जो है वो भी अगेन बहुत छोटी क्वांटिटी के बराबर होगा और उसको हमने एच मान लिया। तो दैट इज स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू एच, ये हमारी 13th इक्वेशन होगी। तो जहां जहां बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का अंडर रूट लिखा है वहां वहां पे आप एच पुट करेंगे 7th इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 13 in 7 वी गेट क्यू इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस बी, इसकी जगह आ जाएगा एच एच इंटू टी प्लस बी ई की पावर माइनस बी माइनस इसकी जगह आ जाएगा एच इंटू टी। तो टी को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो आपको मिलेगा क्यू इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस बी टी प्लस एच टी प्लस बी ई की पावर माइनस बी टी माइनस एच टी। तो आप जानते हैं ई की पावर ए प्लस बी क्या होता है, वो होता है ई की पावर ए मल्टीप्लाई ई की पावर बी। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा ए इंटू ई की पावर माइनस बी टी, अलग कर दिया ई की पावर एच टी हमने अलग कर दिया मल्टीप्लाई में, प्लस बी ई की पावर माइनस बी टी एज इट इज लिख दिया मल्टीप्लाई में ई की पावर माइनस एच टी ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास ई की पावर माइनस बी टी, तो अंदर रह जाएगा कैपिटल ए ई की पावर एच टी प्लस बी ई की पावर माइनस एच टी। एच यहाँ पर एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, तो हमें पता है कि e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है 1 + x प्लस आगे भी टर्म्स आती हैं, बट अगर x आपका बहुत स्मॉल है तो उस केस में हम एक्सपेंशन को दो प्लेसिस तक ही लिमिट कर सकते हैं। तो e की पावर x का एक्सपेंशन हम 1 + x तक लेंगे, कब, जब x जो है वो बहुत छोटा होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर h जो है वो बहुत छोटा है, तो e की पावर एच टी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + ht, क्योंकि x की जगह यहाँ पर ht लिखा हुआ है, प्लस बी यहाँ पर x की जगह माइनस एच टी लिखा हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - ht। तो हमने e की पावर को एक्सपेंड कर दिया इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जब एक्स हमारा बहुत छोटा होगा। तो स्टूडेंट्स इसी को आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और आगे का पार्ट प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ए को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ए प्लस ए एस टी प्लस बी इंटू वन बी माइनस बी इंटू एच टी बी एच टी। ए और बी को आप अलग से लिख देंगे ए प्लस बी करके, और इसमें से आप एच टी कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा प्लस ए माइनस बी।
पार्ट वन में हमने ए प्लस बी की वैल्यू भी निकाली थी, ए माइनस बी की वैल्यू भी निकाली थी। ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी, वो थी क्यू जीरो। तो ए प्लस बी की जगह आप क्यू जीरो पुट कर देंगे और ए माइनस बी की जगह आप ए माइनस बी की वैल्यू बी क्यू जीरो बाय स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पुट कर देंगे इस तरह से। यहाँ से आप क्यू जीरो कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा क्यू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बी टी। क्यू जीरो यहाँ पर वन रह गया, प्लस बी रह गए यहाँ पर, एच रह गए यहाँ पर, टी रह गए यहाँ पर, क्यू जीरो बाहर जा चुका है। और केस नंबर टू में हमने इसको किसके बराबर लिया था, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को एच के बराबर लिया था, तो इसकी जगह आप एच पुट कर देंगे, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन जो आपको मिलेगी केस टू के लिए, जब आपका बी स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू के स्क्वायर होगा, तो उस केस में जो डिस्चार्ज की इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी क्यू इज इक्वल टू क्यू जीरो वन प्लस बी टी ई की पावर माइनस बी टी। इस प्रकार के डिस्चार्ज को हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड डिस्चार्ज। तो अब हम देखेंगे कि जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था तो चार्ज जो है कैपेसिटर पर मैक्सिमम था, क्यू जीरो के बराबर था। क्या इस इक्वेशन में टी की जगह जीरो पुट करने पर चार्ज मैक्सिमम निकल के आता है कि नहीं आता, ये पहले वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं इसको रब कर देता हूँ। एट टी इज इक्वल टू जीरो तो जब आप यहाँ पर टी की जगह जीरो पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू जीरो वन प्लस बी इंटू जीरो इंटू ई की पावर जीरो। तो ये हो जाएगा आपके पास क्यू इज इक्वल टू क्यू जीरो बी इंटू जीरो बी हो गया, वन प्लस जीरो ई की पावर जीरो वन हो गया, तो क्यू बराबर है क्यू जीरो के आ गया। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें मिल रहा है, जब टाइम टी इक्वल टू जीरो होगा तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चार्ज जो है कैपेसिटर पर हमें मैक्सिमम मिलेगा। जब टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो चार्ज जो है वो जीरो आना चाहिए कैपेसिटर के ऊपर। तो आइए देखते हैं कि जब टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो उस केस में हमारे पास यहाँ से चार्ज की क्या वैल्यू निकल के आती है। तो टी की जगह इन्फिनिटी पुट कर दो तो आपको मिलेगा वन प्लस बी टी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो क्यू जीरो आ जाएगा। तो इस केस में भी चार्ज जो है वो एक्सपोनेंशियली डिके होगा, बट ये इक्वेशन जो है हमारे जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन एलसीआर सर्किट मीन्स इक्वेशन नंबर 12 से डिफरेंट है। तो जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था तो चार्ज मैक्सिमम था, और जब टाइम इन्फिनाइट हो जाएगा तो चार्ज जीरो हो जाएगा। बट इसका कर्व जो है वो पहले वाले कर्व से आपको अलग बनाना है, क्योंकि इसका जो एक्सप्रेशन निकल के आया है वो अलग तरह का निकल के आया है। तो ये कर्व हमारी बनेगी केस नंबर टू की कर्व, जो आपको एग्जाम में बना के आनी है। तो एक केस और बचा है, वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे केस नंबर थ्री की, जो कि होगा बी स्क्वायर लेस देन के स्क्वायर, और इसके लिए भी हम इक्वेशन नंबर 12 का यूज करेंगे जो कि हमने केस वन में भी की थी। तो अगर बी स्क्वायर लेस देन के स्क्वायर हुआ तो उस केस में बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जो है वो नेगेटिव होगा। अगर बी स्क्वायर के स्क्वायर से छोटा हुआ तो ये डिफरेंस जो है वो नेगेटिव निकल के आएगा, और जब आप नेगेटिव टर्म का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो टर्म जो है वो इमेजिनरी मिलती है। तो इस केस में स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जो है वो इमेजिनरी होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए आगे देखते हैं। स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं, इनमें से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस को आप स्क्वायर रूट से बाहर ले आइए, स्क्वायर रूट माइनस वन स्क्वायर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू को हम डिनोट करते हैं फिजिक्स में जे से। तो स्क्वायर रूट माइनस वन की जगह हम जे लिख देंगे, स्क्वायर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसको हम ओमेगा ले लेंगे। तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू जे ओमेगा। ये हमारी 14th इक्वेशन होगी, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी 15th इक्वेशन होगी। तो जहां जहां आपको 12th इक्वेशन में स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर नजर आ रहा है, वहां वहां जे ओमेगा पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, यूजिंग 14 in 12 वी गेट। तो स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर की जगह जे ओमेगा पुट कर दो, यहां पर जे ओमेगा पुट कर दो, इसकी जगह जे ओमेगा पुट कर दो, इसकी जगह जे ओमेगा पुट कर दो। तो यहां तक हम पहुंच गए हैं, इसको सॉल्व करेंगे इसे रब करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, अब आप क्या करेंगे, टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से। तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस बी टी जे ओमेगा टी, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस बी टी जे ओमेगा टी। अब आप यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल की, ई की पावर ए प्लस बी कैन बी रिटन एज ई की पावर ए मल्टीप्लाई ई की पावर बी। तो इसको भी हम ऐसे लिख देंगे, ई की पावर माइनस बी टी अलग, और डॉट में ई की पावर जे ओमेगा टी अलग, ई की पावर माइनस बी टी अलग,
ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी अलग। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म्स में से जो टर्म्स कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लेंगे। क्यू जीरो बाय टू कॉमन है, ई की पावर माइनस बी टी कॉमन है, तो आपको मिलेगा क्यू इज इक्वल टू क्यू जीरो बाय टू ई की पावर माइनस बी टी, अंदर आ जाएगी ये ब्रैकेट, साथ में रह जाएगा ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस, साथ में रह जाएगी ये ब्रैकेट और साथ में रह जाएगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी। अब आप ई की पावर जे ओमेगा टी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका अगला स्टेप होगा ई की पावर जे ओमेगा टी, इसको वन से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस बी बाय जे ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस, इसको वन से करेंगे तो आपको मिलेगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी, इसको इससे करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस बी बाय जे ओमेगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी। इसको और इसको आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी, इन दोनों को हमने अलग ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस इसमें से और इसमें से आप कॉमन लेंगे बी बाय ओमेगा, बी बाय ओमेगा, बी बाय ओमेगा कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी, और इन दोनों के नीचे जे है जो हम कॉमन करके यहाँ पर नीचे लिख देंगे। अब हमें पता है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी होती है हमारे पास यहाँ पर ई की पावर आइटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आइटा थीटा बाय टू जो है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, और ई की पावर आइटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आइटा थीटा डिवाइड बाय टू आइटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस टू को आप पहले अंदर लेके जाएंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे टू को और इसके नीचे भी लिखेंगे टू को, तो अब प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी बाय टू बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन कॉस ओमेगा टी प्लस बी बाय ओमेगा एज इट इज़, और ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी बाय टू जे बन जाएगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग साइन ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा काम और बचा है, वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, इसके आगे आपको क्या करना है, b बाय ओमेगा को टेन थीटा लेना है। तो अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें जिसमें ये एंगल थीटा है, अगर टेन थीटा b बाय ओमेगा के बराबर हुआ, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास b और बेस हो जाएगा ओमेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमने ओमेगा किसको पुट किया था, ओमेगा हमने पुट किया था स्क्वायर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप इस ओमेगा स्क्वायर की जगह के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा के, तो हाइपोटेन्यूज जो है आपका के बराबर आ जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय के हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो टेन थीटा यहाँ पर पुट कर देते हैं बी बाय ओमेगा की जगह, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्यू इज इक्वल टू क्यू जीरो ई की पावर माइनस बी टी कॉज ओमेगा टी प्लस टेन थीटा साइन ओमेगा टी। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इस ब्रैकेट में हम एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कॉस थीटा बाहर चला जाएगा, कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा साइन ओमेगा टी। आप जानते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कॉस कॉस ए माइनस बी, दैट इज कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। इस कॉस थीटा की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय के जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली ये इक्वेशन जो है आपको देखने को मिलेगी केस नंबर थ्री के लिए। तो यहाँ पर कोसाइन वाली टर्म आ रही है, तो थर्ड केस के लिए आपका डिस्चार्ज जो है वो ऑसिलेटरी रहने वाला है। जो कैपेसिटर जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था तो वो फुली चार्ज था, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा जो ये जो चार्ज है वो जीरो लाइन के अबाउट ऑसिलेट करेगा और फाइनली जीरो पर सेटल हो जाएगा। तो इस केस में आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, चार्ज जो है वो ऑसिलेटरी होगा, इट विल ऑसिलेट अबाउट जीरो चार्ज एंड अल्टीमेटली सेटल्स डाउन टू जीरो। तो थर्ड केस का आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ऑसिलेटरी चार्ज के लिए टाइम पीरियड क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या रहेगी, ये हम देखेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, ये जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है डैम्प्ड ऑसिलेटरी चार्ज को। चार्ज जो है वो जीरो
चार्ज के अबाउट ऑसिलेट करेगा और इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज होगा और अल्टीमेटली ये जीरो पर सेटल हो जाएगा। द डिस्चार्ज द चार्ज ऑसिलेट्स अबव एंड बिलो जीरो बिफोर इट फाइनली सेटल्स डाउन टू जीरो वैल्यू। तो इस केस में टाइम पीरियड टी क्या रहने वाला है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ओमेगा, ओमेगा हमारा क्या था स्क्वायर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। तो हमने पार्ट वन के स्टार्टिंग में के स्क्वायर किसकी जगह पुट किया था, 1/LC की जगह पुट किया था और एक और सब्स्टिट्यूशन की थी हमने पार्ट वन के स्टार्टिंग में जो थी 2b = r/L। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी r/2L, तो b स्क्वायर हो जाएगा r² / 4L². तो के स्क्वायर की जगह और b स्क्वायर की जगह ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे, के स्क्वायर की जगह 1/LC पुट कर देंगे और b स्क्वायर की जगह हम r² / 4L² पुट कर देंगे। तो ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो होती है वो सिंपली टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2π मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये टर्म √1/LC - r² / 4L². तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। आपको इस टॉपिक को यहाँ तक कंप्लीट करना है इंक्लूडिंग दिस ग्राफ, तो आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।